हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं भारती और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं 3-4 साल पहले की ली हुई एलन सोली की एक फुटवेयर जो कि काफी खूबसूरत है और ये पड़े श्रिंक हो गई है और ये बिल्कुल न्यू है। तो आज हम इसको मैं इसको खोलूंगी और मुझे तो ये आएगी नहीं, अभी मैं अपनी सिस्टर को ये दे रही हूँ। तो आज इसको हम ओपन करके देखेंगे। तो ये काफी खूबसूरत है और इसका जो कलर है बेबी पिंक है और देखने में बहुत प्यारी लग रही है। तो ये इतनी पुरानी हो चुकी है, अभी मुझे इसका नाम भी याद नहीं है। तो ये शायद पड़े श्रिंक हो गई है क्योंकि जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम पहना था, जब ये आई थी ऑनलाइन मंगवाई थी, तब मुझे इसका साइज बिल्कुल ठीक था। तो ये काफी खूबसूरत थी तो मैंने इसको कुछ खास ओकेजन के लिए रखा था कि जब कुछ ऐसा होगा तब पहनूंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और उसके बाद पड़े ये काफी श्रिंक हो गई। तो बेबी पिंक सा इसका कलर है, वेलवेटी टच है और कपड़ा भी कुछ इस तरह का यूज किया गया है और इसके ऊपर इस तरह से एक बो टाइप का क्लिप लगा हुआ है, बकर टाइप का। तो अभी मैं ये सिस्टर को दे रही हूँ, तो अभी पहन के देखेंगे कि तो कैसी है। मेरी सिस्टर के पैरों का साइज मुझसे काफी छोटा है, तो यहाँ पर देखिए ये उसको भी नहीं आ रही है। तो ये इतनी ज्यादा श्रिंक हो गई है क्योंकि जब मैंने इसको, मतलब कि ये मिली थी मुझे, तब मैंने ट्राई किया था और तब साइज बिल्कुल ठीक था। बस मैंने इसलिए रखी थी कि चलो कहीं ओकेजनली या फिर जैसे मेरे पास और थी तो मैंने इसको यूज़ करना सही नहीं समझा, तो मैंने सोचा था कि चलो बाद में कहीं पे यूज़ कर लेंगे। तो बस इस चक्कर में पड़ी रही कि, तो कई बार ऐसे हो जाता है लेडीज़ को कि चीज़ें हम संभाल संभाल के रखते हैं कि चलो किसी खास मौके पे पहनेंगे, लेकिन उसी चक्कर में ये ऐसी की ऐसी पड़ी रहेगी और ये श्रिंक हो गई है। तो सिस्टर को काफ़ी, मतलब कि ओवर फिट है, एक तो फिट होता है तो ये ओवर फिट है, तो टाइट है आगे से पैर, तो काट सकते हैं, सॉक्स डालेगी तो और ज़्यादा टाइट हो जाएगी। तो ये सबसे छोटी सिस्टर जो है उसके पैर और भी ज़्यादा छोटे हैं तो शायद उसको आ जाएगी, तो उसको अभी देनी पड़ेगी। तो वैसे देखा जाए तो ये थोड़ी सी ना मेटेलिक लुक लग रही है, देखने में काफ़ी खूबसूरत है। और जो इसके सोल हैं, जैसे स्लिपरी नहीं है, नीचे से इस पर हल्का हल्का टेक्सचर दिया गया हुआ है, तो जैसे कई बार टाइल्स ऐसी होती हैं, फिसलन होती है, या हम बाहर कहीं पे ऐसी जगह जाते हैं, आजकल हर जगह पे टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं तो स्लिप होने का डर रहता है। तो इस का जो सोल है उसी हिसाब से बना हुआ है कि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इस तरह की मेरे पास दो थी, एक तो ये थी, एक मेरे पास थोड़ी गोल्डन में थी और इसके अलावा एक और एलन सोली की थी जो कि काफ़ी खूबसूरत कलर था। वो मैंने बहुत ज़्यादा पहनी है तो अभी भी मैं फेंक नहीं रही थी, लेकिन हस्बैंड ने फेंकी क्योंकि उसकी हालत इतनी ज़्यादा खस्ता हो गई थी। और क्योंकि शिलोंग में जब, यहाँ पे हम रहते हैं, थोड़ा हिली एरिया है और थोड़ी रोड भी ऐसी ही है और बारिश ही होती रहती है, तो बारिश वगैरह में पहनती थी, उससे ज़्यादा ही वो ख़राब हो गई थी, तो इसीलिए फिर वो फेंकनी ही पड़ी। तो ये भी बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन ये मुझे उससे थोड़ी सी अच्छी लग रही है और काफ़ी कंफर्टेबल भी है। और इसके अलावा बाटा की है मेरे पास, वो भी काफ़ी अच्छी चली है, उसको भी मैंने बहुत रफ़ यूज़ किया है क्योंकि मेरे फुटवेयर्स, जो भी मैं चप्पल वगैरह पहनती हूँ, मैं इसी तरह से यूज़ करती हूँ क्योंकि पैर मेरे थोड़े से हैवी हैं, तो जिसे हल्के पैर होते हैं, पतले पतले पैर, उनके फुटवेयर वगैरह जो भी पहनते हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, तो मेरे थोड़े से पैर हैवी होने के कारण जल्दी टूट जाती है। तो फिर भी ये काफ़ी इन्होंने अच्छा टाइम निकाला एलन सोली की, जो हमने ऑनलाइन मंगवाई थी। तो बाटा की तो अभी भी मेरे पास है, तो वहाँ पे बारिश ज़्यादा होने के कारण ही ख़राब हुई है, वैसे ही ओवरऑल अच्छी रही है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, अच्छी लगे तो लाइक करना, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।